नमस्कार दोस्तों, मास्टर मैं यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से न्यू सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ, जिसका वर्जन मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों वर्जन बताओ का यहाँ पर आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हो। इसका वर्जन यहाँ पर देख लो, वर्जन टीवी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो दोस्तों इसका वर्जन है GX GX6605S वर्जन 2.3। दोस्तों इसमें 2.3 में कोई सा सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, ना TL का काम करता है, ना NK का सॉफ्टवेयर काम करता है, ना सॉलिड का काम करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर करोगे इसमें ट्यूनर का प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें मैं ये इसका मेनू देख सकते हो। मेनू में अगर यहाँ पर आपको वही सिस्टम दिया है पूरा, तो सबसे पहले मैं यहाँ से आपको ऑटो स्कैन करके दिखा देता हूँ कि ऑटो स्कैन में कि कितना चैनल आता है, कितना क्या आता है। यहाँ से मैं ये सर्च अप स्टार्ट किया, ऑटो स्कैन होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। और दोस्तों सेटअप बॉक्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वर्जन मैं आपको बता दिया, GX6605S वर्जन 2.3। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आप NK में करोगे या सॉलिड में करोगे तो आपका बॉक्स में ट्यूनर काम नहीं करेगा, बाकी रिमोट सब काम करेगा। और दोस्तों इसमें रिमोट ये वाला लगा NK का ही रिमोट लगा था इसमें। और दोस्तों इसमें फ्रंट पैनल बूट पैनल सब ओके है, बटन उटन सब A to Z सब ओके है, इतना तक के ट्यूनर भी ओके है, 100% सब वर्किंग। घबराने वाला कोई बात नहीं, आपका डायरेक्टली जो सॉफ्टवेयर उसी में चढ़ जाएगा, ठीक है। जो आपका बॉक्स अगर आप सॉफ्टवेयर खुद का बॉक्स का सॉफ्टवेयर है उसी के ऊपर चढ़ा देना, चढ़ जाएगा दोस्तों 100%। दोस्तों देखने में वो बॉक्स सेम देखने में NK के जैसे दिखता है, बाकी उसमें NK का उसमें सॉफ्टवेयर नहीं लगता। देखने में पूरा A to Z NK जैसे लगता है, बाकी उसमें NK का सॉफ्टवेयर नहीं लगता। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर चैनल आने स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा वेट करो दोस्तों, मैं A to Z जानकारी दूंगा इसमें कितना चैनल चल रहा है, HD चैनल चल रहा है नहीं चल रहा है, कि नॉर्मल चैनल चल रहा है नहीं चल रहा है। कि बाद में मेरे सब्सक्राइबर भी बोलते थे सर जी आप टेस्ट करके देखा तो क्या मेरा छतरी, मैं बताया मेरा नेट पिछला आइटम जाकर देख सकते, मेरी छतरी हिल गया थी, इस कारण से मैं अभी वीडियो में कोई भी सैटेलाइट ट्रैक करके या चैनल चला कर नहीं दिखा रहा था। अब मैं यहाँ पर अपने चैनल सर्च कर रहा हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है D2H का, ये D2H का इसमें चैनल सर्च हो रहा है। और A to Z 100% वर्क करेगा, 101%। ऐसे घबराने वाला बात नहीं दोस्तों, अपने पेन ड्राइव लेना और डायरेक्टली अपने बॉक्स में लगा देना। और दोस्तों इसका डाउनग्रेड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसका डाउनग्रेड किसको डाउनग्रेड कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। इसका डाउनग्रेड भी मैं बताऊंगा, इसका डाउनग्रेड आप कैसे कर सकते हो 101%। मेरा चैनल में जो भी वीडियो आता है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी होता है, डाउनग्रेड भी होता है। ऐसे नहीं कि फेक वीडियो नहीं बनाता, कि सर मैं पहले से बता देते हैं जो बॉक्स डाउनग्रेड नहीं हो पाता, मैं शुरू से थंबनेल में लिख देता हूं कि सर जी इसका जो डाउनग्रेड नहीं हो पाएगा, आपको RF232 को रिकवर करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से मैं इसमें ऑटो स्कैन किया हूँ, ऑटो स्कैन करने पर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आया अभी 400 कुछ चैनल हो गए, 470 के आसपास चैनल यहाँ पर आ चुका है। और देखते हैं कि लगभग कितना चैनल इसमें सर्च हो पाता है। अब वीडियो बने हैं दोस्तों, मैं 101% रियल वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 500 कुछ चैनल हुआ, यहाँ से मैंने सेव कर लिया। और सेव करने के बाद दोस्तों इसका मेनू इस प्रकार है। और यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर देखो ये सर्वर दिया, सर्वर क्लिक करना। और यहाँ पर देखो सीसी कैम में ओपन किया तो यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली यहाँ पर है, ठीक है, सक्सेस लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ। अब बैक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर मेनू में आता हूँ। मेनू में आने के बाद यहाँ से मैं कोई सा भी चैनल लगा कर आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो जैसे GTV है, GTV ऑन होता नहीं, आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर GTV चलना स्टार्ट हो गया था, मेरा PC से मदद से आता है तो इसका आंसर तो देख सकते हो यहाँ पर GTV स्टार्ट हो गया दोस्तों 101%, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से और बहुत सारा चैनल है दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ बॉक्स सिल्मा दिया, बॉक्स सिल्मा की ऑन होता नहीं देख सकते हो। और यहाँ से दोस्तों मैं आपको HD चैनल भी ऑन करके दिखा देता हूँ कि HD चैनल स्टार्ट होता है या नहीं, कि बाद में सर HD चैनल नहीं आपने ऑन करके दिखा, ऐसे बात नहीं, कि मैं HD चैनल भी आपको यहाँ से ऑन करके दिखा दूँ। यहाँ पर देखो एंड पिक्चर HD है, एंड पिक्चर 8G स्टार्ट होता है नहीं होता है आप देख सकते हो दोस्तों, ये देख सकते हो एंड पिक्चर 8G 100% वर्किंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा दोस्तों जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों आज के लिए बस इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।